हरियाणा के गुरुग्राम में ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल की 20वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रमेश अग्रवाल की 20वीं मंजिल से गिरने पर सभी हड्डियां टूट गई थी, इसी वजह से उनकी मौत भी हुई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने इसका खुलासा किया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर कुमार के अनुसार उनके शरीर के लगभग सारी हड्डियां टूट गई थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी सभी पसली टूट कर चकनाचूर हो गई थी। जांच करने के लिए उनके शरीर से सैंपल ले लिए गए हैं। रिपोर्ट के आने के बाद ही पूरी तरह से बताया जा सकेगा। दूसरी ओर हादसे के बाद से ही पूरी सोसाइटी में मातम पसरा हुआ था। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण मीडिया का सोसाइटी गेट पर ही जमावड़ा लग गया था। इसे देखते हुए सोसाइटी गेट पर ही सिक्योरिटी भी मुस्तैद कर दी गई थी। पीड़ित परिवार ने भी मीडिया और अन्य से दूरियां बना ली थी। ऐसे में किसी को सोसाइटी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। पिता के नीचे गिरने की परिवार को नहीं थी खबर। रमेश अग्रवाल के 20वीं मंजिल से नीचे गिरने की खबर उनके परिवार को नहीं थी, जबकि घटना के समय रितेश के साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी फ्लैट में ही मौजूद थे। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब एक व्यक्ति को नीचे जमीन पर लहूलुहान हालत में देखा तो उसने अपने सुपरवाइजर को सूचना दी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास जानकारी हासिल की। मृतक की शिनाख्त हुई। इसके बाद परिजन उन्हें लेकर तत्काल ही निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं, मामले की जांच जारी। आपको बता दें कि ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल की शुक्रवार को दोपहर करीब 1 बजे अपार्टमेंट की 20वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने आत्महत्या का अंदेशा जताते हुए पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। रमेश अग्रवाल DLF फेज 4 द क्रेस्ट कंडोमिनियम में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र विज कहते हैं कि पुलिस को शुक्रवार सूचना मिली कि एक व्यक्ति की 20वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। 7 मार्च 2023 को हुई थी रितेश अग्रवाल की शादी। मृतक की पहचान ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल के रूप में हुई। हादसे के वक्त रितेश अग्रवाल, उनकी माँ और उनकी नवविवाहित पत्नी गीतांशा फ्लैट में ही मौजूद थे। रितेश ने 7 मार्च 2023 को गीतांशा सुद से शादी की थी। बताया गया है कि रितेश अग्रवाल अपने पिता के साथ इस अपार्टमेंट में नहीं रहते थे। रितेश अग्रवाल का परिवार मूल रूप से उड़ीसा के रयागदा का रहने वाला है। यहाँ पर उनके पिता रमेश अग्रवाल सिम कार्ड बेचने की छोटी सी दुकान चलाया करते थे। बीती 7 मार्च को रितेश अग्रवाल की शादी में देश दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई थी। इसमें जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन भी पहुंचे थे, जिनसे रितेश और उनकी पत्नी ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। खबरों से ऐसी ही अपडेट रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।